हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। हेलो, आई एम डॉक्टर अरविंद पोसवाल फ्रॉम डॉक्टर एस क्लिनिक दिल्ली इंडिया। काफ़ी पेशेंट्स मेरे से एक ही चीज़ खास तौर से पूछते हैं, सो मैं सोच रहा हूँ कि एक तरह से रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ, चाहे आप लोग हमसे ट्रांसप्लांट करा रहे हैं चाहे नहीं करा रहे हैं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो होता है कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पहले हफ्ता दो हफ्ता क्या चीज़ों का ध्यान बहुत रखना है। इसमें कई बार मैंने देखा है पेशेंट लोग गलत प्रिकॉशन भी करते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं तो उससे नुकसान भी होने का चांस है। तो जैसे हमने ट्रांसप्लांट किया, लोकल एनेस्थीजिया में किया, वहाँ तक तो प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम वाइट बैंडेज लगाते हैं सर पे। वाइट बैंडेज लगा के आप घर जाओगे या होटल में जा रहे हो तो होटल में जाओगे, तो अगर तो आपका 3 दिन का या 4 दिन का प्रोसीजर है तब तो हर रोज़ आप शाम को जा रहे हो, फिर अगले दिन आओगे। 1 दिन का प्रोसीजर है तो करा लिया फिर जा रहे हैं, तो मैं लास्ट डे की बात कर रहा हूँ। लास्ट डे पे हमने बैंडेज लगाया, आप आराम से घर में लेटोगे, सीधा भी साइड में भी सो सकते हो और उल्टा पेट के बल भी सो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के नहीं सोना, आराम से सिराना लगा के सोना है। दूसरा, जब आप अगले दिन उठोगे तो थोड़ा रेड स्पॉट होगा पट्टी के ऊपर, आगे पीछे दोनों, उसमें चिंता नहीं करना है, वो ब्लीडिंग की वजह से नहीं होता, एक्टिव ब्लीडिंग से नहीं होता, वो जो हमने लोकल एनेस्थीजिया के फ्लूइड्स इंजेक्ट किया होते हैं उनके ऊज आउट करने की वजह से होता है। सो अगले दिन बैंडेज रिमूव कर लेना है अच्छे से गीला करके। ध्यान रखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में मैं एडवोकेट करता हूँ वेट हीलिंग इंस्टेड ऑफ ड्राई हीलिंग, वो इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, एक तो स्कारिंग भी नहीं होता। तो अभी जैसे हमने बैंडेज पूरा उतारा प्रोसीजर से अगले ही दिन, तो उसके बाद दोबारा बैंडेज नहीं लगाना और ना ही कोई क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाना। अब हमने सर धोना शुरू करना है, और हम कैसे सर धोएंगे, शॉवर के नीचे खड़े होके नहीं धोएंगे, बाल्टी और मग से धोएंगे। मग पानी का ऐसे डालेंगे आराम से, फिर मग में ही झाग बनाया वो आराम से डाला, और फिर नॉर्मल पानी डाला 4-5 मग रिंस करने के लिए, टॉवल लिया और उससे पैड ड्रैग किया। ये तो हो गया जहाँ पे हमने ग्राफ्ट लगाए हैं। अब जहाँ हमने दाढ़ी से बाल लिए हैं आपके, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे नहाते हुए तो पानी गिरने दीजिए, लेकिन नहाने से पहले आप एक गिलास में सेलाइन बनाइए, या तो केमिस्ट से मिल जाएगा सेलाइन का बॉटल, नहीं तो घर में खुद बना सकते हैं। साफ़ पानी, आरओ वाला पानी, बिल्कुल फार साफ पानी एक गिलास लेना है, उसमें 1 चम्मच टीस्पून छोटा चम्मच वाइट सॉल्ट मिक्स करना है। सफ़ेद नमक मिक्स किया तो ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें एक बिल्कुल साफ़ कपड़ा, एक हैंकरचिफ के साइज़ का बिल्कुल साफ़ कपड़ा आपने डिप करना है, फिर निकालना है और उसको यहाँ लगाना है। इसको 5 मिनट तक सोक करना है, उससे क्या होगा, ये जो छोटा छोटा ब्लड क्लॉट्स होता है यहाँ पे, ये फूल जाएगा, लूज़ हो जाएगा, और फिर आप ऐसे वाइप करोगे तो पूरा का पूरा उस एरिया से ये क्लॉट्स हट जाता है, आपको दर्द वगैरह कम हो जाता है, परेशानी नहीं होता है, और सबसे बड़ी चीज़ हीलिंग फास्ट होएगा और स्कारिंग विजिबल नहीं होगा हमारे वाले केसेस में। तो इस तरह से करना है, दिन में 2 बार करना है। तो ये हो गया नहाने का चीज़। उसके अलावा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, भाग के नहीं दौड़ना, नहीं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना जल्दी जल्दी, और कैप पहन सकते हो पट्टी उतारने के बाद, कैप उतार भी सकते हो, लेकिन थोड़ा लूज कैप रखना, उतारते हुए कैप और पहनते हुए थोड़ा ध्यान रखना कि रगड़ नहीं लगे, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। 7 दिन जब आपके पूरे हो जाते हैं, उसी दौरान में 5th डे पे रेजर से दाढ़ी शेव एक बार ज़रूरी करना है, ठीक है। ये डोनर एरिया है जो दाढ़ी का, जो हम रूटीनली ज़्यादातर पेशेंट में यूज़ करते हैं, उसका जो पोस्ट ऑप वाला एहतियात करना होता है, प्रिकॉशन करना होता है, उसमें वन ऑफ द स्टेप्स इज कि आपको रेजर से शेव करना ही करना है 4th या 5th डे पे, चाहे आप पहले ना भी करते हो, ट्रिमर से नहीं, राइट, दैट इज़ फॉर एक्सीलेंट बियर्ड डोनर एरिया हीलिंग। नाउ आफ्टर 1 वीक, ये बहुत ज़रूरी है, 8वें दिन से हमने कोई प्रिकॉशन नहीं लेना,
हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, भाग सकते हैं, ट्रेडमिल पे भाग सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, यहाँ पे रगड़ के सर धो सकते हैं। रगड़ के सर धोना ज़रूरी है, कई बार लोग वो नहीं करते ये सोच के कि डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया, लेकिन वो छोटे छोटे बाल हैं, मैं कोशिश करूँ उन्हें बचा लूँ, कहीं गिर गए फिर नहीं उगेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है, ये नॉर्मल प्रोसेस है ट्रांसप्लांट का, कि जब हमने रूट लगाया अपना एक लोकेशन से दूसरे में, तो ज़्यादातर वो छोटा छोटा बाल गिरेगा। अगर आप उसको यहाँ रगड़े नहीं और उसको ऐसे पकड़ के बैठे रहें तो उससे नुकसान होगा। उससे क्या होगा, ये बाल का टुकड़ा वहीं रुका हुआ है, यहाँ पे स्किन के ऊपर चिपका हुआ है स्कैब, तो एक तो ब्रीदिंग नहीं हो पा रही स्किन की, दूसरी यहाँ पे जो फॉरेन बॉडी का काम कर रहा है बाल का टुकड़ा, वो वहाँ पे पिंपल बनाएगा और फिर वहाँ पे जो हेयर रूट असल वाली है उसको उगने में भी डिले हो जाएगा। तो 8वें दिन से सर रगड़ के धोना है। अगर आपको दिक्कत हो, नहीं हो पा रहा हो, तो चाहे आप सलून में जाओ, उन्हें बोलो अच्छे से धो दो इसको, अगर फिर भी डाउट है तो एक कपड़ा लो या लूफा लो, लूफा होता है लेडीज़ को पता होता है प्लास्टिक का, ऐसे करो, या सॉफ्ट कपड़ा लो, उस पर साबुन या शैम्पू का झाग बनाओ और फिर उसको इस तरह रब करो, रब करो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, और उसके बाद पानी डालेंगे, आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्कैब्स आपके गिर गए और साथ में छोटे छोटे बाल भी गिरे हैं, कोई चिंता नहीं करना। ऐसे जब आप 8-10 बार करोगे तो बिल्कुल एरिया क्लीन हो जाएगा, छोटा छोटा बाल अगर बचा होगा कोई थोड़ा बहुत, वो बोनस है। सेकेंड मंथ से बाल उगना शुरू होगा, वो भी धीमा प्रोसेस होता है, इसलिए बार बार शीशे में देख के चिंता नहीं करते रहो। किसी के भी बाल 3 महीने में नहीं उगते, और अगर उग गए तो वो बहुत वियर्ड फ्रीक इंस्टेंस है। ज़्यादातर लोग 2 महीने बाद से बाल थोड़ा थोड़ा उगना दिखेगा, और वो भी 10% ग्रोथ होता है एट ए मंथ। फुल रिजल्ट आपको दिखेगा 10 से 12 महीने में। तो आफ्टर 8 डेज नो प्रिकॉशन, एक्सरसाइज करो सर, स्किन खास तौर से ये वाला अच्छे से क्लियर रखो, क्लीन रखो। और अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं तो वापस शुरू कर सकते हो आफ्टर 2 वीक्स। बस बीच का टाइम जब हमने ट्रांसप्लांट किया उससे कम से कम 3-4 दिन पहले और उससे 2 हफ्ते बाद तक आपने मिनोक्सिडिल नहीं लगाना। उसके अलावा बाकी दवाइयां जो हम सप्लीमेंट्स वगैरह बोलते हैं वो ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग से आपको पूरा एक वीडियो देने वाला हूँ। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बताइए। थैंक यू, शुक्रिया।